गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर अजय सिन्हा। आई एम डायरेक्टर क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च एट मेदांता हॉस्पिटल पटना। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू स्पीक अबाउट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर द सोसाइटी। दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी वेल नोन, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और ये देखा गया है कि करीब करीब 1% लोग पूरे विश्व में इस बीमारी से ग्रस्त हैं। पहले जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी होती क्या है। ये हमें समझना पड़ेगा कि अशुद्ध खून हमारे शरीर से राइट साइड में आता है, दाहिने तरफ के चैम्बर में, और तब दाहिना चैम्बर वेंट्रिकल जो है, जिसे कहते हैं, वो पंप करता है ब्लड को लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर, और फेफड़ा में इस ब्लड का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। वो ब्लड, प्योर ब्लड बाईं तरफ आता है, और तब बाएं तरफ की जो वेंट्रिकल है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, वह ब्लड पंप करता है सारे शरीर में। अब इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में ये होता है कि दाहिने तरफ का प्रेशर, जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड पंप पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, तो उसका प्रेशर बढ़ा होता है। और मुश्किल बात यह है कि शुरू के दिनों में 1 साल 2 साल 3 साल तक व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या है, और डॉक्टरों में भी अवेयरनेस नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रारंभिक लक्षण जैसे सांस फूलना, कमज़ोरी होना, थोड़ी बहुत दर्द होना, इस नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, उस स्टेज में हम बीमारी को पकड़ने का प्रयास करें। और यदि हम बीमारी को शुरू के दिनों में पकड़ लिए तो इलाज आसान हो जाता है। आजकल बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयां हैं, और हम सिक्वेंशली उन दवाइयों को शुरू कर सकते हैं, और मरीज को उससे फ़ायदा होता है। और जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसमें कि 5 साल में कम ही लोग जीवित रहते थे, वह अब ऐसा समय आ गया है कि दवाइयों के द्वारा हम जीवन को बढ़ा सकते हैं, और मरीज में लक्षण कम कर सकते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। तब ये है कि हम करें क्या। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा लोगों को कि सांस फूलने की वजह हार्ट के अलावा, बाएं हार्ट की बीमारी के अलावा, एक दाहिने तरफ की बीमारी भी होती है, जिसे पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। और इस बीमारी में जो पल्मोनरी प्रेशर 25 से ज़्यादा होता है, मीन प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये देखा गया है कि कई बीमारियों से पल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है, और जो इडियोपैथिक होते हैं, जिनका कारण पता नहीं होता है, वैसे जो लोग होते हैं उनका इलाज शुरू में ही होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। और ये देखा गया है कि जिस बीमारी को शुरू में इलाज शुरू की जाए तो आउटकम अच्छा होता है। कॉमनेस्ट कॉज तो हम जानते हैं कि बाएं तरफ की बीमारी, हृदय की बीमारी जिसके वजह से प्रेशर बढ़ता है, या लंग्स की बीमारी जिससे प्रेशर बढ़ता है, परंतु हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो कि अमूमन अकारण होता है, बिना किसी कारण के होता है। तो हम इसको जाने, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, स्वास्थ्यकर्मी ये जाने कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन नाम की चीज़ भी एक बीमारी होती है, उसका इलाज आसान है यदि हम उसे समय रहते पकड़ें। यही मेरा मैसेज होगा कि हम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, परंतु डिटेक्शन लेट होने पर हम बचाव नहीं कर पाएंगे, इलाज नहीं कर पाएंगे। अतः
हमें सोसाइटी में मैसेज जाना चाहिए, पैरामेडिक्स और डॉक्टर में मैसेज जाना चाहिए कि बीमारी को समय रहते पकड़ना है ताकि समुचित इलाज हो सके। धन्यवाद।